करता हूँ थोड़ा, तो बाकी लाइव करते रहता हूँ। पर इधर आ जाइए किनारे जी, अब इस पर शहीद के साथ हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। शहीद पिंटू कुमार जी के को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मैं उनके परिवार को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, जो पूरा देश मेरे दल के साथ साथ पूरा देश उनके साथ खड़ा है और हम समझते हैं उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में हम सारे लोग उनके साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। सर आपको लगता है कि अभी मुख्यमंत्री को आना चाहिए था, जरूरी था इस? अब हम इस पर मैं शहीद के नाम पर हम कोई राजनीति नहीं करेंगे ना राजनीतिक बात बोलेंगे। पॉलिटिकल लोग जो है कार्यक्रम में भी चर्चा करते हैं, शहीदों के जज्बे का चर्चा करते हैं जी, सही। लेकिन आज शहीद का जवान यहाँ पार्थिव शरीर उनका आया, कोई जहमत बगल में ही है सारे लोग का, तो आवास बगल में ही ठीक है, आना चाहिए। अब किस कारण से नहीं आए इस पर कोई, हम अपने तरफ से कोई उन पर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं इस दुख की घड़ी में।